सीहोर जिले में जब से मयंक अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक का पद संभाला है तब से ही अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा आम लोगों द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बिल्किसगंज पुलिस द्वारा अपहरण किए आरोपियों को पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 15 घंटे में पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। आरोपियों को फिरौती की रकम के 5 लाख में से 4,96,000 रुपए के साथ अपहृत नाबालिग बालक को दस्तयाब करने में सफलता मिली है। कल शाम को थाना बिल्किसगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग का अपहरण हो गया, उसको छोड़ने के लिए कुछ लोग 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया और देर रात तक बच्चे को उनके माँ बाप ने पैसे कलेक्ट करके छुड़वाया। तत्काल सभी टीमों ने पुलिस टीमें लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रही थी। हमने कॉम्प्लेन करके घटनास्थल को पूरा घेरा और बच्चे के छूटने के बाद लगातार हम लोगों ने सक्रिय होकर पूरे जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और जो भी सुराग हमको मिले बच्चे से भी पूछताछ की उनका पुलिया के बारे में उससे हमें ये पता चला कि ये जो घटनाक्रम था पूरी तरीके से ये फैब्रिकेटेड एक घटनाक्रम बनाया गया था। इसमें जो अपहृत बालक है इसकी और इसके कुछ बालिग जो दोस्त हैं उन्होंने मिलकर इस घटना की पूरी साजिश रची थी। अपने ही पिता से पैसे लेने के लिए इस बालक ने खुद के ही अपहरण का स्वयं रचा और इसने जो है 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपने ही फ़ोन से अपने मित्रों के माध्यम से अपने पिता को फ़ोन करवाया। उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पैसे मिलेंगे वो आपस में लोग बांट लेंगे। ये बालक जो है बुरी संगत में आकर नशा एवं अन्य जो उसके शौक थे महंगे शौक उसके थे घूमने करने का और अन्य प्रकार के जो व्यसन है उसके इस कारण से पैसे की आवश्यकता थी तो इसने भी दोस्तों के साथ मिलकर ये साजिश रची। लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में पर्दाफाश किया। इसके साथ ही राजेश ठाकुर और सुनील दांगी इनको अरेस्ट किया है और उनके पास से जो 5 लाख रुपए थे उसमें से 4,96,000 रिकवर कर। सर मामले में पुलिस ने इतनी फास्ट वर्किंग की है तो थाना स्तर की घटना घटित हुई थी। तत्काल 3-4 थानों की पृथक पृथक टीमें बनाकर सभी दिशाओं में रवाना की गई थी एवं जो भी हमारे पास साक्ष्य आए थे उनको टेस्ट करने के लिए और उनकी उन पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी दोराहा, थाना प्रभारी अहमदपुर, थाना प्रभारी बिल्किसगंज, SDOP हमारे सीहोर एवं अन्य जो निकटवर्ती थाना क्षेत्र थे उनकी कुछ टीमें बनाई गई थी और सभी ने अथक प्रयत्न करके इसमें सफलता प्राप्त की है। इसमें जो भी टीम लगी है इन सभी के लिए 10,000 रुपये का नकद। सीहोर से संजय खरे की